हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी, जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बनाते हैं आज की यमी सी रेसिपी। इसके लिए हमने बासमती चावल लिए हैं 1 कप, और उसको हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करेंगे और फिर उसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। और अब हम एक पैन में पानी गरम करेंगे और उसमें डालेंगे सोया चाप की 4 स्टिक्स, और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल करेंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आज क्या बन रहा है, तो ये वीडियो आप देखिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और सबसे अलग रेसिपी है ये। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको पानी से निकाल लेंगे और इसके स्टिक्स को निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से इसके स्टिक्स रिमूव हो गई हैं। इसी तरह से सभी स्टिक्स को हटा लेंगे। अब इसको हम 1 इंच के पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए इतने बड़े पीसेस हमें इसके कट करने हैं। सभी पीसेस को इसी तरह से कट कर लेंगे। अब इनको अलग रख देंगे। और अब हमने लिया है हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने जो हम अचार या पकौड़े के लिए यूज़ करते हैं वाली हरी मिर्च हम इसके लिए लेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। इसको भी देखिए हमने इस तरह से पीसेस में कट करना है। और ये वाली मिर्च से जो हम आज रेसिपी तैयार कर रहे हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो हो सके आप यही वाली मिर्च यूज़ करिएगा। अब एक पैन में हम ऑयल डालेंगे और जो हमने सोया चाप कट करे थे उनको हम फ्राई करेंगे। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। इसमें हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये देखिए इस तरह से इसका कलर आना चाहिए और बहुत अच्छे से ये कुक हो चुके हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। हमने कुकर लिया है और फ्लेम को हम हाई पे ही रखेंगे। कुकर में हमने 1/2 कप ऑयल डाला है और उसमें 100 ग्राम बटर लौंग डालेंगे इसमें। फिर हमने डाले काले मिर्च और हरी इलायची। तो देखिए बहुत कम इंग्रेडिएंट इसके लिए हमें चाहिए और बहुत ही अच्छी ये रेसिपी तैयार होगी। और अब हमने इसमें जो मिर्च कट करी थी वो डाली है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे रोस्ट किया हुआ चाप। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। अब इसमें हम 1.5 लीटर पानी डाल रहे हैं। और फ्रेंड्स, फ्लेम को हाई पे ही रखेंगे, स्लो नहीं करना है इसे। और जब इसमें एक बॉयल आ जाए फिर अब इसमें हम जो हमने सोक किए हुए चावल रखे थे उसको डाल लेंगे। और सभी को अच्छे से मिक्स करके इसको हाई फ्लेम पे ही पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही यम्मी और सुपर डिलीशियस सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ये देखिए इस तरह से जब थोड़ा सा पानी इसमें रह जाए तो इसके फ्लेम को हम लो पे कर देंगे और इसको ढक के पकाएंगे। इसका मतलब हमें इसमें दम लगा के पकाना है। तो जैसे हम बिरयानी पकाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसको ढक के पकाना है। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए एकदम चावल भी खिले खिले से बने हैं। अब इसमें हमने केसर का पानी डालना है। केसर को हमने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो लिया था। अब उसको ऊपर से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो फिर से हम इसको ढक देंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब 2 मिनट के बाद देखिए कितने सुंदर और बहुत ही खुशबूदार चावल तैयार हुए हैं हमारे। तो फ्रेंड्स, अब जब भी आप ये वाली रेसिपी अगर एक बार खाओगे ना, तो आप सही में नॉनवेज खाना छोड़ दोगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सच में ये बहुत यमी है और बहुत ही अलग सी रेसिपी है। तो आप भी इसे आज ही ट्राई करने वाले हैं ना, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे लग रहे होंगे। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं पास से। देखिए कितने खिले खिले और यमी से हैं। और सोया चाप हमने इसमें डाला है वो भी कितना जूसी लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में यमी यमी रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।